नमस्ते दोस्तों, ऑल्डिस गोल्ड में आपका स्वागत। और देखिए, आज एक होम्योपैथिक सुप्रसिद्ध दवा होम्योपैथिक में, जिसे कैम्फर के नाम से जाना जाता है, कैम्फर दवा, ये कपूर से ही बनी है। जो कपूर, भीमसेनी कपूर वगैरह जो होते हैं, उनसे ही ये कैम्फर बनी है। लेकिन ये होम्योपैथिक के अंदर जब शक्तिकृत हो गई तो इसके गुण बहुत बढ़ गए और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत लंबा और विस्तृत हो गया। कैम्फर को, हैजा रोग को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि समझा जाता है। अगर हैजा के रोगी को लक्षणों को देखकर, जैसे बहुत ज़्यादा पतले दस्ताना, पुट्ठों में ऐंठन, सीने में मरोड़ी जैसा होना, दर्द होना, शरीर का नीला और बिल्कुल ठंडा पड़ जाना, कमजोरी आना, इन सब लक्षणों के अंदर अगर ये कैम्फर इसका प्रयोग कराया जाए तो रोगी बहुत जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा इसके और भी शरीर पे जो लक्षण होते हैं, तो रोगी के सिर से संबंधित जो लक्षण है कि सिर घूमता हुआ सा महसूस होना, बेहोशी सी छाना, सिर के दर्द के साथ ही जुखाम के लक्षण प्रकट होना, बार बार छींके आना, ठंडा सा पसीना आना, जीभ का ठंडा होना, सिर के पीछे के हिस्से में जलन जिसमें नाड़ी की चाल के साथ ही फटकन सी होना, ऐसे आदि लक्षणों को ठीक करने के लिए कैम्फर एक बहुत उपयोगी दवा है। आँखों के लिए भी कैम्फर एक मुफीद है। इसके अंदर एक जगह है जो गीत जम जाते हैं और निगाह कमज़ोर होती है, आँखों की पलकों का फैल जाना, आँखों से हर चीज़ का चमकता हुआ सा महसूस होना, ऐसे लक्षणों में कैम्फर देने से लाभ मिलता है। नाक से संबंधित लक्षणों में नाक का बंद हो जाना, बार बार छींक आना, मौसम के बदलते ही नाक बहना शुरू हो जाना, बार बार नाक से खून आता रहता है। नाक के रोगों के लक्षण के आधार पर कैम्फर बहुत ही लाभकारी होता है। तो अभी जो कोरोना चल रहा है तो इसके अंदर जो लक्षण पैदा होते हैं, तो ये जो अभी मैंने बोले हैं नाक से संबंधित लक्षण, कि नाक का बंद हो जाना, बार बार छींक आना, बदलते मौसम में नाक बहना, जुकाम होना और नाक से रक्त आना, इत्यादि जो इस तरह के जो लक्षण होते हैं, तो कैम्फर देने से ये रोग प्रतिरोधक का भी काम करती है। इसके रोगी का जो चेहरा होता है उसका रंग बिल्कुल मुरझाया हुआ होता है, पीला होता है, ठंडा पसीना आना, चेहरे का भयानक होना, ऐसे लक्षणों को कैम्फर देने से लाभ होता है। आमाशय से संबंधित लक्षणों में पेट के दबाव के साथ दर्द होना, आमाशय में ठंडक महसूस होना, जलन होना आदि आमाशय रोगों में कैम्फर का प्रयोग लाभदायक रहता है। इसके रोगी के दस्त के अंदर काले रंग का दस्त होना, मल का लगातार आते रहना, गर्मी के कारण हैजे का रोग फैलना, पिंडलियों में ऐंठन होना, शरीर का ठंडा हो जाना, बेचैनी होना, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आना, जीभ और मुंह का ठंडा हो जाना आदि लक्षणों पर रोगी को कैम्फर का मदर टिंचर या पोटेंसी देने से आराम मिलता है। पेशाब संबंधी लक्षणों के अंदर पेशाब में जलन होना एक कैम्फर का बहुत अच्छा लक्षण है, और पेशाब का बार बार आना, पेशाब का रुक जाना, लेकिन महसूस ऐसे होना जैसे मूत्रा से भरा हुआ हो आदि लक्षणों में कैम्फर देने से आराम मिलता है। पुरुष के लक्षणों में यौन उत्तेजना का बहुत बढ़ना, यानी कि सेक्स करने के लिए आदमी उन्मत्त रहता है, यानी कि यौन उत्तेजना का बहुत बढ़ना,
रात को सोते समय वीर्य का निकल जाना ध्यान में रखिए। ये पुरुषों की बहुत अच्छी दवा है, जबकि मर्दानगी शक्ति या पुरुषों की सेक्स प्रॉब्लम के प्रति इसका प्रयोग नहीं के बराबर करते हैं, लेकिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यौन उत्तेजना का बहुत होना, इसका एक लक्षण। इसका दूसरा लक्षण, रात को सोते समय वीर्य का निकल जाना यानी कि स्वप्न दोष होना। इसका तीसरा लक्षण, सुजाक रोग के अंदर बांझपन आना। ऐसे रोगों के अंदर कैंपर बहुत लाभ करती है। और जो अपने श्वास संबंधी प्रणाली है, जो फेफड़ों से संबंधित है, और आप और हम जो सांस लेते हैं उनके ऊपर कैंपर का बहुत अच्छा पार्ट है। दिल के रोगी में जहाँ दिल होता है उस जगह बेचैनी होना, सांस लेने में परेशानी होना, ये ध्यान में रखने की बात है। सांस लेने में परेशानी होना, सांस लेने में परेशानी होना, दिल में बेचैनी होना, दम सा घुटता महसूस होना, दमे का दौरा पड़ना, बहुत तेज वाली खांसी, रुक रुक कर होने वाली खांसी, धड़कन का बढ़ना, सांस का उखड़ना, इन लक्षणों में कैंफर औषधि का प्रयोग से बहुत ही लाभ मिलता है। इसके रोगी को नींद नहीं आती और शरीर के अंगों का ठंडा हो जाते हैं, फुटों में झटके लगना, बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, इन लक्षणों के आधार पर कैंफर देने से लाभ मिलता है। और जो शरीर के बाहरी अंग है, जैसे हाथ पांव, कंधों के बीच के हिस्से में गठिया का दर्द, कंधों का ये बीच का हिस्सा है, यहाँ पे गठिया का दर्द और हिलना डुलना बहुत मुश्किल हो जाना, सुन्नपन आना, जोड़ों में कड़कड़ाहट, आवाज होना, पिंडलियों में ऐंठन होना, पैरों का बर्फ जैसा ठंडा होना, इन लक्षणों के आधार पर कैंपर देने से बहुत लाभ होता है। बुखार जो होता है, इसका नाड़ी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, ठंडा पसीना आना, जीभ का ठंडा छुलछुला और कांपता हुआ सा होना, इन लक्षणों के आधार पर रोगी को कैंपर देने से लाभ मिलता है। चर्म रोगों के अंदर चमड़ी का ठंडा होना, नीले रंग का चकत्ते होना, कपड़े पहनने में परेशानी होना, चर्म रोगों के लक्षणों में अगर रोगी को नियमित रूप से कैंफर का प्रयोग कराया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। इसका रोग कैंफर के रोगी का गति करने से रोग बढ़ता है, रात के समय बढ़ता है, किसी के द्वारा छूने से भी रोग बढ़ता है, ठंडी हवा से रोग बढ़ता है, और शमन होता है, गर्मी से रोग कम होता है। इसकी जो टक्कर की दवाइयाँ दूसरी है वो एंगुस्टेगला है और कैम्फोरिक एसिड ये होती है, और इसकी जो विरोधी दवा है काली नाइट्रिकम है, उसका प्रयोग इसके साथ नहीं होना चाहिए। और कैम्फर की जो अनुपूरक दवा है यानी कि कैम्फर के फायदे को आगे बढ़ाने के लिए कैंसेरिस दवा है। और अगर किसी को कैंपर से कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात हो तो फास्फोरस वगैरह डॉक्टर की राय लेके उनका प्रयोग करना चाहिए। डोज जो है इसका मदर टीचर अधिक काम में लेते हैं कैंपर का, तो कैंपर का मदर टीचर एक एक दो दो बूंद जब हैजा जैसी अवस्था हो या इस तरह की हो तो मात्र 15-20 मिनट में एक से दो दो बूंद आधे कप गुनगुने में ये दिया जाए तो शरीर का ठंडापन ठीक होगा, लूज मौसम है वो बंद होगा, बुखार है आराम आएगा। इसके अलावा इसको रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए काम में लेना है। इस वक्त कोरोना का ये चल रहा है, क्योंकि मैं आज कैंपर का ही बता रहा हूँ, लेकिन ये इसमें आ ही गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताना तो होगा। कैंपर, कैंपर के बहुत से लक्षण जो है कोरोना के रोगी से मिलते जुलते हैं, तो इसको 15 दिन में 1000 पावर में एक खुराक लेनी चाहिए।
तो ये एक कोरोना ही नहीं, कोई कोरोना से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई भी तरह का फ्लू, कोरोना भी फ्लू और भी जो कई तरह के स्वाइन डेंगू सेंगू ये जितने हैं इन सबको रोकेगा कैंपर 1,000 अगर आप में लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी। और इस तरह के जो चालू रोग हैं जो अकस्मात आते हैं, और कुछ तो रोग है 2-4 दिन ठहरते हैं और कुछ लोग हाथों हाथ निकल जाते हैं, इन सब के अंदर कैंपर 1,000 महीने में 2 खुराक लें, ये रोग प्रतिरोधक के रूप में आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अन्य जो रोगों के अंदर है कैंपर का मदर टिंचर काम में लीजिए, ये बिल्कुल एक सेफ दवा है। लेकिन कोई भी दवा का गलत यूज या अथवा एक्सेज यूज करना गलत है, आप अपने चिकित्सक की राय से इसका प्रयोग करें तो बहुत लाभ उठा सकते हैं। कैम्फर एक बहुत अच्छी दवा है, अंतिम समय की दवा है, क्योंकि जब आदमी कमजोर, बिल्कुल कमजोर होता है तो उसके शरीर में ठंडा पसीना आता है और चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ पांव में ऐंठन होने लग जाती है, ये सारे लक्षण इस तरह के होते हैं कि जैसे मृत्यु शय निकट है। ऐसी अवस्था के अंदर कैम्फर देने से शरीर में ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, आदमी की धड़कन सही होती है और वो प्राय ठीक होता है। और कैम्फर भी दे सकते हैं और कार्बोवेज भी ऐसे समय में देने की दवा है। कार्बोवेज को ऐसी स्थितियों में 10,000 से कम कोई डोज नहीं देनी चाहिए। अगर आपको रिजल्ट ही लेने हैं तो अर्गिनो 30-200 आप देते रहो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि 10,000 की एक खुराक या CM 1,00,000 की एक खुराक कार्बोवेज, एक तरह से यूं मान के चलो कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर देती है। अगर कोई बीमारी से मतलब नहीं और यूं मान के चलो कि नब्ज छूटी जा रही है और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये कुछ क्षणों का मेहमान है, ऐसी स्थिति में कार्बो वेजिटेबिलिन 1,00,000 या 10,000 की 2 बूंद रोगी की जीभ पे डाल दीजिए, उसे एक बार तो ठीक होना ही होगा, आगे ईश्वर के ऊपर है। दोस्तों मैंने आपको आज कैंपर की जो गुण और जो है वो बताए हैं, और देखो जो दवा लाभ करती है वो हानि भी करती है, अत्यधिक प्रयोग हर चीज़ का अच्छा नहीं होता। अगर किसी को लंबा प्रयोग करना है इस दवा का तो अपने डॉक्टर से राय लेके करें। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।